अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि झटपट बन जाती है और इफ्तार के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज और इन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। फिर उसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पर ऐड कर देंगे और सारी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड। उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसको अच्छे से बाइंडिंग मिल जाए। और जो ट्रिक मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको पोटैटो को बॉईल करने के बाद में उसे फ्रिज में रखना है, तो वो ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए उसे बाहर तो रखिएगा ज़रूर। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब ये अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद में हम इसको फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। कोरिएंडर पाउडर से भी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। जितने आप सूखे मसाले ऐड करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो बाइंडिंग होती है वो अच्छी बनती है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत टेस्टी भी होती है। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है अपने पाम्स के ऊपर और जो मिक्सचर हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसे एक शेप दे देना है। तो मैं पहले इसे थोड़ा सा फ्लैट शेप दे रही हूँ क्योंकि हमें इसमें चीज़ फिल करना है। तो अब मैं इसके अंदर चीज़ रख दूँगी। मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसके अंदर मोज़रेला या फिर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे सिंपली शेप में कट कर लें या मोज़रेला चीज़ ऐसे ही फिल कर दें। और इस तरह से इसको हर साइड से आप लॉक कर दें और इसको एक अच्छा सा शेप दे दें। तो शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको इस तरह का कटलेट शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। अब इसको हम डिप करेंगे। बाकी के सारे कटलेट्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको मैदा स्लरी के अंदर डिप कर रही हूँ और फिर उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है अच्छी तरह से। ये देखिए मैदा स्लरी में डिप करने के बाद में आपको इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेना है। ये देखिए बस ये रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो चलिए इन्हें फ्राई करने चलते हैं। तो ऑयल हम गरम करने रख देते हैं जब तक के और फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही गरम होने रख दिया था। अब यहाँ पर हम एक एक करके इन सारे अपने पोटैटो कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपको अच्छी तरह से करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर, और इसको दोनों साइड से आपको लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। अच्छी तरह से इसे कुक करना है। एक साइड से जब ये कुक हो जाए तो फिर आप इसको दूसरे साइड पलट दीजिए और ये आराम से ही कुक हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गरम गरम खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी इफ्तार के लिए ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखिए बस ये हमारे जो कटलेट्स हैं ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। बीच बीच में आप इसको चला चला कर और फ्लिप करते हुए आप इसको हर साइड से अच्छी तरह से सेक लें और फिर इसे निकाल लें। ये देखिए यहाँ पर मेरे कटलेट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। तो जो जो फ्राई होते जा रहे हैं मैं उसे एक एक करके एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए
इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और हमारे चीज़ी पोटैटो कटलेट्स बनके तैयार हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा।